Hello, student. Welcome to our class. This class is for class 4th, and our first chapter is My Beautiful Country. Subject is SST. Our country, India, is very beautiful. India is situated in South Asia. India is also called Bharat. Our country, India, is very beautiful. India is situated in South Asia. India is also called Bharat. It is the seventh largest country in area. सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड हमारे जो कंट्री इंडिया है उसे हम भारत भी कहते हैं ये साउथ एशिया में सिचुएटेड है और चाइना के बाद संसार की ये दूसरी कंट्री है जहां पर पॉपुलेशन सबसे अधिक है दैरियर लैंड फीचर ऑन इट्स लाइक हिल्स माउंटेन्स वैलीज प्लेन्स एक्सेट्रा एड टू इट्स ब्यूटी These land features are also called its physical feature. India has been divided into 28 states and 27 union territories. Up 29 states and 9 union territories. The population of India is about 1.2 billion. Our neighbors India is surrounded by Nepal, Bhutan and China in the north, Pakistan and Afghanistan in the northwest. बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट श्रीलंका एंड मालदीव इन द इंडियन ओशियन टू द साउथ नेक्स्ट जो है अवर नेबर के बाद ये जितने भी कंट्रीज हैं ये हमारे इंडिया के नेबर कंट्रीज हैं उसके बाद आएगा इंडियाज लैंड सरफेस द वेरियड लैंड फीचर ऑन इट सरफेस मेक इंडिया अ ब्यूटिफुल कंट्री इंडिया स्ट्रेस 3,214 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ इट इन द वेस्ट टू हंड्रेड प्रदेश इन द ईस्ट इंडिया इज ऑन थ्री साइड्स इट हैज द इंडियन ओशियन इन द साउथ द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट ये हमारी इंडियाज लैंड सरफेस का जितना भी स्ट्रक्चर है वो है यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडिया स्ट्रेच 3214 km from Jammu and Kashmir in the north to Kanyakumari in the south. It stretches 2993 km from Gujarat in the west to Anuradhya Pradesh in the east. India is a peninsula because it is surrounded by water on three sides. It has the Indian Ocean in the south, the Arabian Sea in the west, and the Bay of Bengal in the east. Now, we have a physical division. Depending upon the land surface,

फिफ्थ है द कोसल प्लेन एंड सिक्स है द आइलैंड्स अब इसका हम पॉलिटिकल डिवीजन देखेंगे इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री विथ लार्ज पॉपुलेशन टू रन द कंट्री स्मूथली इट हैज बीन डिवाइडेड इन टू नंबर ऑफ स्मॉलर एरिया कॉल द स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज इन ऑल इंडिया हैजेंटी एट स्टेट एंड सेवन यूनियन टेरिटरीज जैसा कि पहले बताया ट्वेंटी नाइन स्टेट एंड नाइन यूनियन टेरेटरीज हो गई हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली इज द सीट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज़ द लार्जेस्ट मेट्रोपोलिटन सिटी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश इज इंडियाज मोस्ट पॉपुलर स्टेट हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट स्टेट है वह है राजस्थान और सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है वह है गोवा और उत्तर प्रदेश हमारे भारत का सबसे पॉपुलस एरिया है सबसे पॉपुलर्स कंट्री जो है वो उत्तर प्रदेश है सॉरी जो सबसे पॉपुलस स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे ट्वेंटी एट यूनियन ट्वेंटी एट स्टेट एंड सेवन यूनियन टेरिटरीज हैं बट अब इसके अब जो न्यू फॉर्मेशन है उसके बाद ट्वेंटी नाइन स्टेट एंड सेवन यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं इसको फिर से देखेंगे इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन To run the country smoothly, it has been divided into a number of smaller areas called the states and union territories. In all, India has twenty-eight states and seven union territories. National Capital Territory of Delhi is the seat of central government. It is the largest metropolitan country in India in term of area. Rajasthan is the largest state, and Goa is the smallest state of India. उत्तर प्रदेश इज़ इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलस स्टेट अब हमारे जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे स्टेट और कैपिटल स्टेट और कैपिटल यहाँ पे जो मेंशन किए जा रहे हैं ये सभी स्टूडेंट्स को लर्न करने हैं आंध्र प्रदेश कैपिटल हैदराबाद अरुणाचल प्रदेश कैपिटल ईटानगर असम कैपिटल दिसपुर बिहार पटना छत्तीसगढ़ रायपुर गोवा पंजी, गुजरात गांधीनगर हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश शिमला जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर झारखंड रांची कर्नाटका बेंगलुरु केरला तिरुवनंतपुरम मध्य प्रदेश भोपाल महाराष्ट्र मुंबई मणिपुर इम्फाल मेघालय शिलोंग मिजोरम आइजवाल नागालैंड कोहिमा ओडिशा भुवनेश्वर पंजाब चंडीगढ़ राजस्थान जयपुर सिक्किम गंगटोक तमिलनाडु चेन्नई त्रिपुरा अगरतला उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तराखंड देहरादून वेस्ट बंगाल कोलकाता तेलंगाना हैदराबाद यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज और उनके कैपिटल देखेंगे ये स्टूडेंट को लर्न करने हैं उनके जो ट्वेंटी नाइन स्टेट्स हैं और ये यूनियन टेरिटरीज हैं उनको ये लर्न करने हैं यहाँ पे मेंशन है आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इन सभी को इनके कैपिटल और स्टेट्स को लर्न करके एक फेयर कॉपी में इनको लिखना है अब यूनियन टेरिटरीज अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर चंडीगढ़ चंडीगढ़ दादर एंड नागरा हवेली सिलवासा दीव एंड दमन दमन लक्षद्वीप कावात्री नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली डेहली पुदुचेरी पुदुचेरी, पुदुचेरी। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय मणिपुर मिजोरम नागालैंड एंड त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट आर कॉल्ड सेवन सिस्टर स्टेट्स। इन सभी को हम सेवन सिस्टर स्टेट्स भी कहते हैं अब हमारा आएगा नेशनल हॉलीडेज इंडिया हैज थ्री नेशनल हॉलीडेज दैट आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री इंडिया में हमारे थ्री नेशनल हॉलीडेज होते हैं जिन्हें पूरे कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है ये है हमारे रिपब्लिक डे ट्वेंटी सिक्स जनवरी इंडिपेंडेंस डे फिफ्टींथ अगस्त गांधी जयंती सेकेंड अक्टूबर ये थ्री हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं दो तरह के फेस्टिवल होते हैं नेशनल फेस्टिवल और रिलीजियस फेस्टिवल तो यहाँ पर हमारे तीन नेशनल फेस्टिवल हैं रिपब्लिक डे ट्वेंटी सिक्स जनवरी इंडिपेंडेंस डे फिफ्टीन अगस्त गांधी जयंती सेकेंड अक्टूबर इंडिया लैंड ऑफ डाइवर्सिटी The variety of physical features reflect itself in a great diversity in living styles of men and women. There is an amazing variety of wildlife and natural forests. The wild the wide spread of the country also leads to a wide variety of physical condition. These conditions influence the type of houses people build. They are ड्रेसेस फेस्टिवल्स ईटिंग हैबिट्स एंड मैनी अदर थिंग्स। जितने भी हमारे कंट्री में स्टेट्स हैं जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी के अलग अलग पहने पहनने के तरीके होते हैं सभी के अलग अलग अपने रिलीजन के हिसाब से फेस्टिवल्स होते हैं उनके अलग अलग ईटिंग हैबिट्स होती हैं ईच फिजिकल रीजन और क्लाइमेटिक बेल्ट हैज समिस्टिंगटिव कैरेक्टरिस्टिक हाउ डीज ब्लैंड टूगेदर मेक इंडिया स्ट्रोंग नेशन is an interesting study the different lifestyles languages dresses food habits cultures yet at the heart we all indian remain one with one citizenship One constitution one national flag and one heart unity is the diversity is the best manifested in india so, see, each physical region or climatic belt has some distinct, distinctive characteristics हाउ दिस ब्ल टूगेदर मेक इंडिया स्ट्रांग नेशन इज एन इंटरेस्टिंग स्टडी द डिफरेंट लाइफ स्टाइल लैंग्वेजेस ड्रेसेज फूड हैबिट्स कल्चर येट एट द हार्ट वी ऑल इंडियंस रिमेन वन विद वन सिटीजनशिप वन कॉन्स्टिट्यूशन वन फ्लैग एंड वन हार्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द बेस्ट मैनिफेस्टेड इन इंडिया तो यहाँ तक हमारी चैप्टर की रीडिंग थी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसमें हम अपना रिटर्न वर्क करेंगे जिसमें हमारे फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स टिक द करेक्ट ऑप्शन और क्वेश्चन आंसर आएंगे उन्हें स्टूडेंट्स को फेयर कॉपी में नोट करना है फेयर कॉपी में नोट करने के बाद उन्हें होमवर्क भी प्रोवाइड किया जाएगा अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप क्वेरी कर सकते हैं थैंक यू